when you're watching Stars को गोल गलीचों की एक गुजराती फिल्म है, उसमें आ रही है मानसी पारेख और इसी के साथ हो रहा है मीका सिंह का भी डेब्यू गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में। वो जैसे कि मीका सिंह हम लोगों ने देखा है कि वो बहुत ही टॉप हिट बॉलीवुड गाने गाते हैं एंड वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने बॉलीवुड के गानों से और पंजाबी गानों से, और अभी वो गुजराती गाने भी गाएंगे तो ये उनका डेब्यू गाना होगा। मानसी पारेख जिनकी गोल करी एक गुजराती फिल्म में डेब्यू है, वो फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख रही हैं गुजराती फिल्म के ओर से एंड शी इज वेरी हैप्पी विद इट। और जो कि एक्टर है मलर ठक्कर, वो भी बहुत ज़्यादा ही डाउन टू अर्थ है। ये जो एक्टर है मलर ठक्कर, इन्होंने ये फिल्म एक्टिंग के साथ प्रोड्यूसिंग भी करी है इस फिल्म की, तो ही हैज फाइनेंस दिस फिल्म। तो कि जैसे कि कोई एक्टर अगर अपनी फिल्म में ही एक्ट करता है तो पूरी जी जान लगा देता है, वही हुआ है इस फिल्म के साथ। एंड मानसी पारेख ने ये भी बोला है कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे सबके साथ काम करके, जैसे कि मेरी डेब्यू थी, जितना मैंने टफ सोचा था ये होगा उतना टफ नहीं था एंड एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथली। सो लेट्स वॉच द क्लिप्स। तो मैम, सबसे पहले आपकी फिल्म के बारे में जानना चाहूँगी, गोल केरी के बारे में कि क्या है। मेरी फिल्म का नाम है गोल केरी। गोल केरी इज़ अ गुजराती अचार पिकल, और गोल मतलब गुड़ और केरी मतलब आम, इन दोनों से बना है ये पिकल। और खट्टा होता है, मीठा होता है, तीखा होता है, और हमारी फिल्म भी वैसी है, बहुत ही खट्टी मीठी तीखी फिल्म है। इट्स अ फैमिली एंटरटेनर एंड द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म गोल केरी इज़ दैट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मीका सिंह, जो इतने बड़े पंजाबी पॉप स्टार हैं, उन्होंने गुजराती में अपना पहला गाना और डेब्यू किया है इस फिल्म के गाने से, जिसका नाम है सोनी गुजराती। और इसमें और भी खास बात यह है कि जैसे कि देख सकते हैं पोस्टर पे, वंदना पाठक, सचिन खेड़ेकर और मैं, हम तीनों का ये गुजराती फिल्म में डेब्यू है। हम तीनों ने बहुत सारा काम, ऑफकोर्स सचिन जी, वंदना जी तो बहुत ही सीनियर एक्टर्स हैं, उन्होंने बहुत काम किया है, और दिस इज देयर फर्स्ट गुजराती फिल्म, सो इट्स वेरी एक्साइटिंग। ओके, सो आप इस फिल्म में डेब्यू कर रही हैं, सो आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ इस स्क्रिप्ट में या फिर इस स्टोरी में दिखा कि हाँ, इस स्टोरी से ही डेब्यू करना गुजराती। एक्चुअली गुजराती सिनेमा बहुत ही फटाफट और बहुत ही, आई टेक दिस अगेन, या गुजराती सिनेमा बहुत ज़्यादा बढ़ गुजराती सिनेमा बहुत ही पॉपुलर होते जा रहा है। इनफैक्ट लास्ट ईयर नेशनल अवार्ड हर लैंग्वेज की कैटेगरी में गुजराती फिल्म को मिला है, वो है हेल्लारो। सो मुझे एज अ गुजराती, सो एज अ गुजराती माई सेल्फ, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग इन गुजराती एंड वेन द स्क्रिप्ट केम टू मी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, बहुत ही फन लगी, फुल ऑन फैमिली एंटरटेनर लगी, तो मैंने सोचा वाई नॉट एंड दैट्स हाउ आई एम डेब्यूइंग इन गुजराती। आप इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रही है, सो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बेटर, हाँ। सो आई एम प्रोड्यूसिंग दिस फिल्म विद माई हस्बैंड, इट्स बीन अमेजिंग। एक्चुअली एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, आपका एक्सपीरियंस अलग होता है एक फीचर फिल्म में, बट जब आप उसे प्रोड्यूस कर रहे हो, मैं तो पिछले एक साल से इस फिल्म में काम कर रही हूँ, प्री प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन से लेके अब मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्लानिंग, PR, प्रमोशंस, हर इन एस्पेक्ट में मैं इन्वॉल्व रही हूँ, और बहुत ही अच्छा लगा है। आई हैव मेड श्योर दैट दिस प्रोडक्ट इज़ अ टोटल लाइक अ परफेक्ट बॉलीवुड काइंड ऑफ फिल्म, ऐसा लगेगा ही नहीं आपको भाषा के अलावा कि ये फिल्म गुजराती है, इट्स मेड लाइक अ हिंदी फिल्म। ओके, सो आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूँगी कि कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रही है? यस, एक्चुअली हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मेरा जो कैरेक्टर है इस फिल्म में, जिसका नाम है हर्षिता, शी इज़ अ स्टैंड अप कॉमिक, और आजकल स्टैंड अप कॉमेडी का दौर है, बहुत पॉपुलर है स्टैंड अप कॉमेडी यंगस्टर्स में भी, बट फिल्म्स में, स्पेशली गुजराती फिल्म्स में हमने कभी किसी फीमेल स्टैंड अप को देखा ही नहीं है। सो फॉर मी टू डू दिस रोल वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स टू अंडरस्टैंड द बॉडी लैंग्वेज, स्टैंड अप्स कैसे परफॉर्म करते हैं, पूरे यू नो 5-5, 10-10 मिनट के मोनोलॉग्स कैसे परफॉर्म करते हैं, सब मैंने ट्रेनिंग ली और फिर हर्षिता का कैरेक्टर मैंने निभाया है। कितना चैलेंजिंग रहा, कितना डिफिकल्ट रहा, या फिर कितना एंजॉय किया अपने कैरेक्टर को? चलेगा ना, बिकॉज इतना आवाज है, मुझे चलेगा भाई। ओके,
सॉरी व्हाट इज योर क्वेश्चन? सो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए, आप जिस कैरेक्टर को प्ले कर रही थी उसके लिए क्या कुछ डिफिकल्टीज आई? डिफ़िकल्टीज तो ऑफकोर्स मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक सिंगर हूँ, बट मैं एक स्टैंड अप कॉमिक नहीं हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें सीखनी पड़ी. स्टैंड अप कॉमेडी में टाइमिंग इज एवरीथिंग, तो एक जोक कैसे लैंड होता है. प्रिया आई थिंक यू रियली नीड टू मैनेज द साउंड बिकॉज वी कीप रिपीटिंग द आंसर्स. या सो ट्रेनिंग में यू नो स्टैंड अप कॉमेडी, जो मेरा कैरेक्टर है स्टैंड अप कॉमिक है, और उसमें एक जोक को लैंड कैसे करना होता है, जोक बोलने के बाद ऑडियंस रिएक्शन के लिए कितना वेट करो और फिर कैसे उसको आगे बढ़ाओ, ये सारी चीज़ें जो टाइमिंग की होती है मैंने इसमें ट्रेनिंग ली, बिकॉज मेरे स्टैंड अप पीसेज हैं इसमें, तो उसमें काफ़ी वर्क किया मैंने. एंड ऑफकोर्स इमोशनल सीन्स भी हैं, रोमांटिक सीन्स भी हैं, तो ओवरऑल एक पैकेज है इस फिल्म में, तो इट्स बिन अमेजिंग. ओके, मल्हार ठक्कर के साथ आपका काम करने का एक्सपीरियंस कैसे रहा? वो एक गुजराती के सुपरस्टार हैं, सो उनके साथ कैसे रहा? मल्हार ठक्कर इज ऑफकोर्स ही इज डन मैक्सिमम नंबर ऑफ गुजराती फिल्म्स एनी एक्टर हैज़ डन, एंड मल्हार के साथ ये मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है. इसके पहले मैंने एक वेब सीरीज़ की है मल्हार के साथ कॉल्ड डू नॉट डिस्टर्ब, जो बहुत ही हिट रही है, जिसका सीजन 2 भी अब जल्द आ रहा है. और इस फिल्म में ऑफकोर्स ये मेरी फर्स्ट फिल्म थी, उसकी तो बहुत सारी उसने फिल्म्स की हैं गुजराती में, तो ही वॉज एब्सोल्युटली एक्सेसिबल, बहुत ही हार्ड वर्किंग है और बहुत मज़ा आता है मल्हार के साथ काम करने में. ओके, और बाकी सारे स्टार कास्ट की बात करूँ तो उनके साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस? वंदना जी, सचिन जी, हम सब ने उनको इतनी सारी, वंदना जी सचिन जी दोनों को हम सब ने इतनी सारी हिंदी फिल्मों में देखा है, टीवी सीरियल्स में देखा है, एड फिल्म्स में देखा है, बट दोनों गुजराती फिल्म पहली बार कर रहे थे और हम सब शूट कर रहे थे अहमदाबाद में. इतने सीनियर एक्टर होने के बावजूद दे बोथ वर सो प्रोफेशनल एंड वेरी कमिटेड एंड एज हार्ड वर्किंग एज मी एंड मल्हार. तो इतना इंस्पायरिंग लगता है जब सीनियर एक्टर्स इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको लगता है अगर वो इस उम्र में इतनी मेहनत करते हैं तो हमको डबल मेहनत करनी चाहिए, तो बहुत ही इंस्पायरिंग था वो. ओके, मीका सिंह भी गुजराती सॉन्ग में डेब्यू कर रहे हैं, सो उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या कुछ सीखने को मिला? तो मीका सिंह और मेरे हस्बैंड पार्थिव गोहिल ने गाना गाया है सोनी गुजरातनी, जो बहुत ही वायरल हो गया है टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे, एंड पीपल आर लविंग द सॉन्ग, इट्स बिकम लाइक अ चार्टबस्टर. तो बहुत मज़ा आया. मीका इज अ सुपरस्टार व्हेन इट कम्स टू एनी हिट सॉन्ग. मतलब अगर आपके पास 20 गानों का लिस्ट होगा, उसमें से 10 गाने मीका के होते हैं. बट ही वॉज वेरी एक्साइटेड गुजराती फिल्म के लिए गाने के लिए, बिकॉज ही सेड कि गुजराती में अभी तक उन्होंने कभी कोई गाना गाया ही नहीं है. तो ये गाना जैसे ही हमने लिखवाया और मीका ने खुद कंपोज किया और मीका और पार्थिव ने गाया, वीडियो शूट के दिन भी मीका यू नो ही केम ऑन सेट ऑन टाइम और एंड तक रहे. ऐसा नहीं कि हाँ मैं आऊँगा एक दो घंटे शूट करके चला जाऊँगा. ही वॉज वेरी वेरी अकोमोडेटिंग, सो यू नो इट वॉज जस्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग. ओके, सॉन्ग का जब इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है ऑडियंस से, जबकि फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, सो कैसा फीलिंग होता है? बहुत अच्छा लग रहा है. कितने सारे लोग कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया पे हमको मैसेज करते हैं, कॉल्स आ रहे हैं कि इससे पहले गुजराती फिल्म के बारे में इतना बज उसके रिलीज़ के पहले कभी नहीं हुआ है. तो बहुत अच्छा लगता है कि पीपल रियली दे आर वेटिंग कि 20th February कब आए और कब गोलकेरी रिलीज़ हो. ओके, सो आपने हिंदी सिनेमा में काम किया है, रीजनल सिनेमा में आप काम कर रहे हैं, जैसे गुजराती और कौन कौन से रीजनल सिनेमा में आप काम करना चाहती हैं? लास्ट ईयर मैंने उरी फिल्म में अपना डेब्यू किया था बॉलीवुड में, लोगों ने बहुत ही सराहा. लास्ट ईयर मैंने बॉलीवुड में उरी फिल्म में काम किया था, लोगों ने मेरे कैरेक्टर को बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया, दे लव माई वर्क. उससे पहले मैंने एक तमिल फिल्म की है और अब गुजराती फिल्म कर रही हूँ, तो आई थिंक लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर. आई एम ओपन टू गुड रोल्स इन एवरी लैंग्वेज. इस फिल्म का टारगेट ऑडियंस कौन होगा? इस फिल्म का टारगेट ऑडियंस विल बी पीपल हु अंडरस्टैंड गुजराती लैंग्वेज, एंड इस फिल्म का टारगेट ऑडियंस विल बी पीपल हु अंडरस्टैंड गुजराती लैंग्वेज. एंड गुजरातीज तो दुनिया भर में फैल गए हैं, जहाँ देखो वहाँ गुजरातीज होते हैं. तो वी हैव अ ह्यूज ऑडियंस बेस दैट वी आर केटरिंग टू. वी आर प्लानिंग टू रिलीज इट इन UK, द US, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, दुबई, कतार. तो इंटरनेशनल रिलीज का प्लान है गोलकेरी के लिए, तो वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड. ओके, अगर बात करूँ इस फिल्म की, सो क्या कुछ डिफिकल्टीज आपको आए? हाँ, लाइक आई सेड एज अ प्रोड्यूसर, आप एक प्रोजेक्ट का हिस्सा day 1 से होते हो और लास्ट डे तक, तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई थी प्री प्रोडक्शन में,
एक्टर्स की डेट्स, उनकी अवेलेबिलिटीज। हम अहमदाबाद गए थे शूट करने, पूरा सेटअप वहाँ पे अलग था, एक महीना हम वहाँ रहे थे। और हमारे डायरेक्टर जो है वीरल शाह, उनको पहले ही दिन डेंगू हो गया शूट के दौरान। और डेंगू ऐसा हुआ कि 7 दिन तक उनको सलाइन चढ़ा के, डॉक्टर 24/7 उनके पास थे, लेकिन सलाइन लगा के भी वो सेट पे आके एक्शन और कट बोल रहे थे। तो मतलब काफ़ी चैलेंजेस थी, बट फिल्म अच्छे से शूट हो गई। 24 दिन में हमने पूरी फिल्म जैसे हमने प्लान की थी वैसे ही कंप्लीट की, और अब ये पूरा प्रोडक्ट आपके सामने है। ओके, सो आपका फर्स्ट डे और लास्ट डे का एक्सपीरियंस कैसा था शूट का? फर्स्ट डे मैं इतनी नर्वस थी, बिकॉज यू नो ऐसा होता ना कि जब आप एक्टर होते हो तो आपको लगता है अरे मेरी लाइंस मुझे याद है, नहीं है, मेरी लाइंस मुझे सब याद थी, लेकिन एज अ प्रोड्यूसर आई वाज लाइक आज टाइम पे शूट खत्म होगा नहीं होगा, आज कितना स्पिल ओवर होगा, कल क्या होगा, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन लास्ट डे तक मैंने इतना कुछ देख लिया था, इतनी चैलेंजेस आ गई थी दैट आई वाज रेडी टू फेस एनीथिंग, सो आई बिकेम स्ट्रॉन्गर। आपके डायरेक्टर वीरल शाह, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रही? वीरल इज़ अ ब्रिलियंट बॉय, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही हार्ड वर्किंग है वीरल, और मेरे जैसे वो भी गुजराती हैं लेकिन वो मुंबई के हैं और उन्होंने हिंदी में काम किया है, तो बोथ ऑफ अस आर वेरी सिमिलर लाइक दैट, एंड ही इज़ बिन माई, वो कहते हैं ना, पार्टनर इन क्राइम सिंस 1 ईयर। जैसा कि आपने बोला कि ये फिल्म ड्रामा कॉमेडी है, सो आपके लिए कॉमेडी करना कितना डिफिकल्ट होता है? इससे पहले मैंने एक कॉमेडी शो किया है जिसका नाम है सुमित संभालेगा, जो बहुत ही पॉपुलर रहा है। हाँ। तो मैंने कॉमेडी की है, एंड ऑफ कोर्स कॉमेडी आपको हमेशा इट कीप्स यू ऑन योर फीट, बिकॉज यू नो अनलाइक ड्रामा जिसमें एक अलग टाइप का आपको यू नो लाइक माइंडसेट रहता है, कॉमेडी में यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, यू हैव टू बी वेरी थिंकिंग ऑन योर फीट। तो वैसे ही मेरे साथ रहा, एंड आई थिंक इट टर्न आउट टू बी अमेजिंग, लेट्स सी। सो और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या कुछ आ सकते हैं? एक वेब सीरीज है जिसके लिए मैं शूट कर रही हूँ, बट आई कैन टॉक अबाउट इट, नेक्स्ट मंथ हम शूट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट पे, एंड या अभी तो गोलकेरी का रिलीज, उसी के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। ओके, सो इन फ्यूचर आप किस जॉनरा की मूवी और ट्राई करना चाहेंगे? जैसे कॉमेडी में तो आप माहिर हैं। आई वुड लव टू डू अ म्यूजिकल, बिकॉज मैं ऑल्सो एक सिंगर हूँ, तो मैंने एक म्यूजिकल प्ले किया है जो गोल्डन, जो ग्लोब थिएटर लंदन में ओपन हुआ था, बट आई वुड लव टू डू म्यूजिकल फिल्म, सो येस दैट समथिंग आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। ओके, सो अगर दो लाइन, जो मीका का सॉन्ग अभी वायरल चल रहा है, सबको पसंद आ रहा है, आप दो लाइन गा दे। सोनी गुजरातनी सुरमणी वातनी ऊंघना आवे मने सारी सारी रातनी, आखा गुजरात मां सिका पड़े अपना, आखा गुजरात मां सिका पड़े अपना, एक बार हा कर लंदन घुमाओ साथ मां। सुनी गुजरातनी सुन मारी बातनी ऊंघना आवे मने सारी सारी रातनी। एंड लास्टली आप अपने फिल्म को लेकर ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगी कि हमारी फिल्म गोल कैरी, जो बहुत ही खट्टी मीठी प्यार भरी कहानी है, आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। 28 फरवरी को रिलीज़ हो रही है, आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में आ जाएगी, डेफिनेटली वॉच इट। गुजराती अगर आपको भाषा पसंद है, आपको गुजराती लोग पसंद है और आपको धमाल करना पसंद है, तो आपको ये फिल्म डेफिनेटली मज़ा दिलाएगी। थैंक यू। ऐसी मजेदार और चटपटी खबरों के लिए देखते रहिए देश ऑनलाइन। हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।